प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद है। इस परिषद का गठन अभी छत्तीसगढ़ में किया गया है और इस परिषद से जुड़े अनेक प्रश्न आपकी परीक्षा में संभावित हैं। तो इससे जुड़े प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। तो यह मुख्य परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है और इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे इसमें हमें क्या लिखना चाहिए। और ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं यह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं, इसको भी हम लोग अंतिम में हल करेंगे। उससे पहले इस परिषद को हम लोग समझ लेते हैं। तो इस परिषद के गठन का कारण क्या है? अगर इस परिषद के गठन का कारण मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊं तो अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ी नीतियां हैं, इनको अलग अलग विभाग अपनी अपनी तरीके से निर्माण कर चलाती रहती है। तो इन सभी चीज़ों को समेकित करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में इस परिषद का गठन किया गया है ताकि इन सभी कार्य को संगठित रूप में समन्वित रूप में किया जा सके। तो इसके गठन का कारण क्या है कि अनुसूचित जाति से जुड़े हितों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनकी कार्यवाही के लिए उनसे जुड़े योजनाओं का सही जमीन पर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, उनसे जुड़ी नीतियों का पालन हो रहा है कि नहीं, उनसे अनुसूचित जाति से जुड़े कानूनों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, उसकी निगरानी करना, उसकी कार्यवाही करना, इसीलिए इसको समेकित रूप में इस परिषद के गठन का कारण है। और महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति से संबंधित उनके हितों से जुड़े विषयों पर सरकार को, मंत्रिमंडल को अनुशंसा प्रदान करना, एडवाइजरी जारी करना और अनुसूचित जाति से संबंधित क्या समस्याएं हैं उनको प्रकट करना और उनको समाधान करना, और अनुसूचित जाति की आवश्यकता क्या है तो उस अनुसूचित जाति से जुड़े हितों को बेहतर तरीके से जमीन में लागू किया जा सके इसके लिए क्या आवश्यक है, इन सभी चीजों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस परिषद का गठन किया गया है। यहां पर यह भी जान लेना अति आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व ही हो चुका है। यहां पर जाति है, यहां पर शेड्यूल कास्ट है, जबकि यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स है। अनुसूचित जनजाति है और यह अनुसूचित जाति है, दोनों में काफी अंतर है। ये ज्यादा पिछड़े होते हैं और ये जो होते हैं ये वनवासी हैं, आदिवासी हैं ये, जबकि ये जो हैं यह अनुसूचित जो जाति होते हैं इनको लगभग अछूतों के जैसे ट्रीट किया जाता है और इनका जो सामाजिक दर्जा है वो अत्यंत ही कम है। ये मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए जिनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उनके लिए पहले से ही ऐसी सलाहकारी परिषद का गठन किया जा चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति से जुड़े हितों की तत्परता से कार्यवाही के लिए, निगरानी के लिए, समस्या के निवारण के लिए, आवश्यकताओं के लिए अब छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी तो सलाहकारी होगी, यानी मंत्रिमंडल इसकी सिफारिश को माने या न माने यह किस पर निर्भर करेगा, तो मंत्रिमंडल पर निर्भर करेगा। इस परिषद के गठन का उद्देश्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है। तो अप्रोच क्या रहेगा इस परिषद का कि हम लोग जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे जुड़ी जो नीतियां हैं, उनसे जुड़ी जो कानून है उनका ऐसा पालन किया जाए कि अनुसूचित जातियों के जो जीवन में बेहतरी आए, उनकी जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। तो इसी उद्देश्य के साथ यह परिषद कार्य करेगी। उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि उनमें शिक्षा का स्तर बढ़े, समाज में भी उनका दर्जा ऊपर आए, उनको अनुसूचित जाति के लोगों को अछूतों के जैसा नहीं, उनसे समान तौर पर व्यवहार किया जाए, उनका सामाजिक दर्जा ऊपर जाए और आर्थिक रूप से कि उनकी आय में भी क्या हो, बढ़ोतरी हो। आगे चलते हैं और इस परिषद की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो परिषद होगा
अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, उसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो भार साधक मंत्री इसके क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। भार साधक मतलब का है वे मंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित विषयों को देखते हैं या अनुसूचित जाति से संबंधित विभाग को संभालते हैं। और विभाग का क्या नाम है, तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के जो मंत्री हैं वह इसके उपाध्यक्ष होंगे। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें से राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे। तो विधानसभा से 5 सदस्य आएंगे और वो निर्वाचित वाले होंगे, मनोनीत वाले नहीं, और उन 5 सदस्यों का अनुसूचित जाति से होना जरूरी है। बाकी जो सदस्य रहेंगे उनको सरकार मनोनीत करेगी। और इस संरचना का, इस परिषद का सचिव कौन होगा, तो भार साधक सचिव। भार साधक का मतलब है कि वह विभाग जो अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों को देखता है। और उस विभाग का नाम क्या है, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग है। तो इस परिषद की संरचना को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यहां से अनेक प्रश्न मुख्य परीक्षा और आने वाले प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हुए मुझे दिखलाई पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अच्छा अभी पहले इस परिषद के गठन के लाभ देख लेते हैं। तो इसके क्या लाभ होंगे, वही जो कारण थे, निगरानी बेहतर होगी, कार्यवाही बेहतर होगी और जो सरकार को अनुशंसा बेहतर प्राप्त होगी। तो इसके दो ही काम हैं साथियों, एक तो जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो नीतियां हैं, जो कानून हैं, उनको समेकित रूप में करना, और सरकार को उससे जुड़े जो भी निष्कर्ष आते हैं तो सरकार को सलाह देना, अनुशंसा देना। इसके बस दो ही काम है, सरकार को सलाह देना और दूसरा योजनाओं में क्या सुधार किया जा सकता है, सही से क्रियान्वित हो रहा है या नहीं, तो इसका यही काम है। तो जब ये बन जाएगा तो यही काम बेहतर तरीके से होंगे, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बेहतर निगरानी होगा, शासन प्रशासन को अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी के लिए आवश्यक सुधार के फैसले लेने में मदद मिलेगी। परिषद में तो देख रहे आवश्यक फैसले सरकार कब ले पाएगी, जब उसको सही तरीके से एडवाइस मिलेगा। परिषद में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। और इस परिषद में अभी आपने पढ़ा कि जो 5 सदस्य होंगे वह विधानसभा से आएंगे और वे अनुसूचित जाति से होंगे और वे निर्वाचित होंगे। तो वे जो 5 सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं, उन्होंने जो लोग हैं अनुसूचित जाति से संबंधित, उन्होंने उनको वहां भेजा है कार्य करने के लिए, तो उनसे जुड़े मुद्दों को वो इस परिषद में रखेंगे और यह परिषद बाद में जाकर सरकार को सलाह प्रदान करेगी। आगे है कि इससे अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। आगे चलते हैं और अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के साथ साथ उसी दिन अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का भी गठन किया। इसका भी वही कारण होगा जो अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का था, कि कार्यवाही अच्छे से हो, निगरानी अच्छे से हो, समस्याओं का पहचान सही से हो, उनका निराकरण हो, उनकी क्या आवश्यकता है, उनसे जुड़े कानूनों का बेहतर क्या क्रियान्वयन हो, तो वही इसका भी उद्देश्य है जो उसका उद्देश्य था। बस यहाँ संरचना में फर्क है, ध्यान रखेंगे इसके भी जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री होंगे और इसके भी जो उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री होंगे, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है उसमें कुल 20 सदस्य थे। यहाँ आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें कुल 20 सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकारी परिषद 40 सदस्य हैं और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित कम से कम 10 सदस्य हैं, वहां 5 सदस्य थे। जो शेष सदस्य होंगे उनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी। तो ये दोनों परिषदों का गठन किया गया है, इसकी संरचना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है और इसका कारण क्या है, ये अभी हम लोगों ने देखा। संक्षेप में इसको एक बार दोहरा लेते हैं, इसका कारण क्या था कि निगरानी सही से नहीं हो पा रही थी, कार्यवाही में कमी आ रही थी,
योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी आ रही थी, तो उसको समेकित रूप में संगठित रूप में चलाने के लिए इस परिषद का गठन किया गया है। उद्देश्य क्या हो कि इन सभी कार्यों के जरिए जो अनुसूचित जाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो और उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसके गठन से लाभ क्या होंगे? बेहतर निगरानी, बेहतर योजनाओं का संचालन होगा, बेहतर योजनाओं का निर्माण होगा, क्योंकि ये जो परिषद है इसका एक मुख्य कार्य सरकार को अनुशंसा और सलाह का और सलाह भी प्रदान करना है। अगर इन दोनों के संरचना की बात करें तो अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में भी टोटल 20 सदस्य होते हैं, 5 विधानसभा से आते हैं जो अनुसूचित जाति से संबंधित रखेंगे और वे 5 निर्वाचित होने चाहिए। टोटल 20 सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे? भार साधक मंत्री। ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद है इसमें टोटल 40 सदस्य होंगे, इसके भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री, और इसमें जो 10 सदस्य होंगे वो विधानसभा से आएंगे, निर्वाचित होंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होंगे। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसको पढ़ने के बाद ये जो ये है इसको आप लिख सकते हैं, अनुसूचित जाति सलाहकारी परिषद क्या है? यह एक सलाह अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद क्या है, इसमें आप बताएंगे कि अनुसूचित जाति के हितों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, निगरानी के लिए, समस्या के निराकरण के लिए इस परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद की प्रकृति सलाहकारी है। इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री हैं, तो इसको आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। परिषद की संरचना को भी हम लोगों ने देखा, इसको भी आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को हल कर लेते हैं। अनुसूचित जाति सलाहकार के लिए क्या सही होगा? यहाँ परिषद छूट गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस परिषद की अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, सही बात है। इस परिषद में अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्यों का पृथक रूप से चुनाव किया जाता है, गलत है। पृथक रूप से चुनाव नहीं किया जाता, वो पहले से निर्वाचित होते हैं और फिर उनको विधानसभा से लिया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में भी सदस्यों की संख्या 20 होगी, गलत है, यहाँ पर 40 होगी। तो ये वाला गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं तो केवल कथन एक सही है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया होगा, अगर उपयोगी साबित हो रहा होगा, तो आप दूसरे भी आकांक्षियों लोग को इसको भेजें और हम लोग का प्रोत्साहन करें। धन्यवाद।